안녕하세요. Hi guys, welcome to our show Coffee with Korea. तो आज हम खबर को लेकर आए हैं, वो है मैरी माई हस्बैंड से. आपको बता दें कि मैरी माई हस्बैंड से जुड़ी हुई हम बस एक नहीं बल्कि दो दो खबरें लेकर आए हैं. साथ ही आपको बताएंगे कि 31st हैंटियो म्यूजिक अवार्ड्स में ऐसा क्या हुआ कि वहां मौजूद सभी ऑडियंस और आर्टिस्ट को अपनी नाक बंद करनी पड़ी. ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए पिछले हफ्ते हुई क्विज के आंसर्स. पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि थैंक यू को कोरियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं. तुम बताओगी? मुझे लगता है आपको बताना चाहिए. ओके, तो मैं ही बता देती हूँ. तो सही जवाब है खुमावयो. क्या बोलते हैं? खुमावयो. मुझे लगता है अब आपको याद हो गया होगा कि थैंक यू को कोरियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं. इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये शो करते करते धीरे धीरे मेरी कोरियन अच्छी हो जाएगी. डेफिनेटली. फिलहाल अब हम शुरू करते हैं अपना शो और हम बात करते हैं इस बार की ट्रेंडिंग न्यूज की. बताएंगे आप? बिल्कुल, अभी बताती हूँ. तुमको पता है मैरी माई हस्बैंड खत्म हो गया? क्या सच में? हाँ हाँ, उसका अभी आखिरी एपिसोड 20 फरवरी को दिखाया गया है. मैरी माई हस्बैंड पहला ऐसा के ड्रामा था जो अमेजोन प्राइम वीडियो में ग्लोबल चार्ट्स पे सबसे ऊपर रहा था. अगर तुमने नहीं देखा तो प्लीज उसको जरूर देखना. ओके. जी हाँ, ये सीरीज इतनी पॉपुलर हुई कि न सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस भी इसकी जबरदस्त फैन हो गई. माना जा रहा है कि के ड्रामा के इतिहास में ये पावर हाउस का काम कर रही है. यही वजह है कि इस सीरीज ने Amazon Prime Video पर नंबर वन की पोजीशन हासिल की है. जब इस सीरीज का कंक्लूडिंग एपिसोड 20 फरवरी को दिखाया गया तो हमारी ऑडियंस थोड़ी सैड हो गई. माना जा रहा है कि जब से Amazon Prime Video लॉन्च हुआ है तब से ये पहली बार है जब कोई के ड्रामा टॉप पोजीशन पर पहुंचा हो. आपको बता दें कि जनवरी में ये ड्रामा नंबर टू की पोजीशन पर था और फरवरी आते आते इसने सबको पीछे छोड़ दिया और नंबर वन की पोजीशन हासिल कर ली. कैप्टिवेटिंग ऑडियंसेस नॉट ओनली इन एशिया बट आल्सो अक्रॉस वेस्टर्न कंट्रीज. मैरी माई हस्बैंड की सक्सेस को देखते हुए इसके मेकर्स ने पूरी टीम को रिवॉर्ड देने का फैसला किया है और रिवॉर्ड के तौर पर इन सबको वियतनाम की हॉलीडे गिफ्ट की है. पूरा क्रू अगले महीने यानी कि मार्च में वियतनाम के लिए रवाना होगा. Wow, so interesting यार. अगर ऐसे रिवॉर्ड हमारे ऑफिस वाले देने लग जाए ना तो मजा ही आ जाए. बट वियतनाम छोड़ो आप, अगर ये बगल वाले पार्क में ही ले जाए वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. सीरियसली यार, हमें तो ऑफिस वाले छोड़ते ही नहीं कि हम यहाँ से बगल वाले मार्केट तक में चले जाएं. वैसे आपका क्या? नो ऑफिस टॉक्स अलाउड. ओके, धीरे बोलो यार. वैसे मैं ही ज्यादा तेज बोल रही हूँ, तुम धीरे बोलो, क्योंकि ये बातें अगर स्टूडियो से बाहर निकले ना तो अभी वो बाहर से अंदर आ जाएंगे, हमें यहाँ से उठा के कान पकड़ के बाहर ले जाएंगे. So, no office talks now. Okay. अच्छा, वो दूसरी खबर क्या बताने वाले थे आप? कुछ मैरी माई हस्बैंड से रिलेटेड? ट्रू. मैं बताने वाली थी कि वो जो तुम्हारा फेवरेट शो है ना मैरी माई हस्बैंड, वो खत्म तो हो गया है लेकिन इन लोगों ने कुछ फोटोज रिलीज की हैं जो लास्ट एपिसोड में उनका मैरिज वाला जो सीक्वेंस दिखाया गया है. कौन सी फोटोज? सेट के बिहाइंड द सीन्स की या फिर कहीं पार्क मैन क्यांग और वो कौन थी यार, वो उसके साथ एक एक्ट्रेस में को पार्क मैन क्यांग और वो ना इन वो है ना, उनका अफेयर तो नहीं चल रहा है ऐसा कुछ? ऐसा है क्या? ऐसा मैंने सुना था. एक्चुअली अफेयर नहीं चल रहा है लेकिन सोशल मीडिया पे इनके इनकी फोटोज को देख के काफ़ी ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि शायद नामिन यंग ने जो भी उसका नाम है उस दोस्त ने जो प्रपोज किया है उसको. ओके. खैर वो छोड़ो, तुम्हें मैं ये फोटोज दिखाती हूँ जिसको देख के ना तुम दंग रह जाओगी. प्लीज ये देखो. हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ. इन द लास्ट एपिसोड जंग सो मिन को पार्क मिन ग्वान के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और ओ यूरा एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है. कहानी तो यहाँ खत्म हो गई लेकिन फॉलोइंग द ड्रामास फिनाले टीवीएन अनवेल्ड द स्टनिंग वेडिंग फोटोज ऑफ कांग जी वन एंड यू जी यू. हैव अ लुक. वाह यार, इन दोनों की जोड़ी
इतनी अच्छी लग रही है। आई विश ये शो थोड़ा सा और कंटिन्यूड होता, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था भाई इसकी कहानी देखने में। इतनी अच्छी कहानी, इतनी डिफरेंट, मतलब मैंने तो सोचा नहीं था कि इतने दिनों बाद मुझे इतना अच्छा शो दोबारा से देखने को मिलेगा। चलो यार कोई बात नहीं, ये खत्म हो गया तो क्या, और कुछ नया आ जाएगा ना। पर अभी अभी नया वर्ड सिखाने का टाइम है। तो फिर बताओ आज क्या सिखाने वाली हो? तुम बताओगी कि मैं बताऊं? तभी तो आपसे पूछा ना, बताओ क्या सिखाओगी। ओके, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पुलिस को कोरियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस को कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं ग्योनछाल। क्या बोलते हैं? ग्योनछाल। Yes. याद रखना गाइस, बहुत काम आता है दिल्ली में रहकर तो ये। दिल्ली वाले दिल्ली वाले कोरियन लैंग्वेज क्यों यूज करेंगे प्रियांशा? मेरा मतलब था पुलिस को याद रखना गाइस। अरे हाँ, आपने वो हांतियो म्यूजिक अवार्ड्स वाली खबर सुनी? नहीं, क्यों, क्या हो गया? क्या यार, आपने क्या मिस कर दिया? सो समवन फ्रॉम द ऑडियंस pooped in their pants. Huh? Oh God, ये भी होता है? ये मुझे नहीं पता था यार। आपको नहीं पता? मैं आपको बताती हूँ and आप सबको भी guys। तो हुआ क्या? A fan pooped in their pants in the middle of the event. मतलब वहाँ मौजूद सभी लोग including the audience, the artist, सब इतने शॉक में थे due to this unexpected scene over there. I know, seriously, ये तो मतलब शॉक होने वाली बात है। इमेजिन आप किसी कॉन्सर्ट में गए हो और कोई आपके आगे और आप वहाँ खड़े हो आगे के आपके साइड में ही अगर कोई ऐसा कर दे। पहले आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ ना, तो ये खबर देखिए आप। तो हुआ ये कि 31st हांतियो म्यूजिक अवार्ड्स 18 फरवरी को किया गया, लेकिन ये म्यूजिक अवार्ड नाइट कम और मैसी नाइट ज्यादा बन गई क्योंकि अ फैन रिपोर्टेडली पूप्ड इन देयर पैंट्स इन द मिडल ऑफ द इवेंट। सुनने में तो ये भी आया है कि उसकी पूप की वजह से उसके कपड़े, उसके जूते और आसपास मौजूद लोगों का सामान भी खराब हो गया एंड ड्यू टू द बैड स्मेल इवन द आइडल्स कुड नॉट स्टैंड इट एंड हैड टू कवर देयर नोज। हालांकि इस इतना मेस फैलाने के बाद उस फैन ने सोशल मीडिया पर लोगों से माफ़ी भी मांगी। पीपल हुज क्लॉथ्स एंड बिलोंगिंग्स वर टेंटेड बाय माय पूप, प्लीज डीएम मी, आई विल पे फॉर द लॉन्ड्री फीस। म्यूजिक फेस्टिवल में ऐसा भी हो सकता भाई, ये तो मैंने पहली बार सुना है। अब तो हो गया यार, क्या पता ही माइट बी हैविंग अ बैड स्टमक। बट गाइस यार, जोक्स अपार्ट ना, बेचारा कितना एम्बैरस हो गया होगा, ये भी तो सोचना चाहिए हमें। चलो फिलहाल अब वक्त है हमारा आपसे विदा लेने का, लेकिन उसके पहले क्विज टाइम। प्रियांशा को ये क्विज वाला पार्ट ना हमेशा याद रहे, कुछ और भूले, याद रहे ना रहे, लेकिन ये क्विज वाला पोर्शन जो है ना, ये कभी नहीं भूलती। Yes, because I want my audience to learn, na, and I also want to learn, so why not? तो चलिए, quiz time, और हम आपको बताते हैं कि sleep, यानी कि सोने को कोरियन में क्या कहते हैं? और आपके options हैं? तीन। तुम बताओगी? आप बताएं। अच्छा, पहला option है झादा, दूसरा option है झालझायो, और तीसरा option है याक्सो। इन तीनों में से कोई एक सही जवाब है जो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। आप अपने जवाब हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और हाँ, बस जवाब ही नहीं, हमें लाइक करना और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो गाइस, अब हमारा जाने का टाइम हो गया और प्रियांशा को भी बहुत सारा काम है, अब हम लोग जाते हैं। ओके बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।